हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक समस्या जो शायद आपको भी आती हो, जैसे कि और भी स्टूडेंट्स को आ रही है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। अब ये है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लेते हैं, जो कि परचेज वाउचर ओपन किया है, तो यहाँ पर वो डेट आ जाएगी और फिर यहाँ पर किसी एक क्रेडिटर पार्टी का नाम हम ले सकते हैं। तो ये ले लिया क्रेडिटर पार्टी का नाम, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया एंटर, प्रेस करके यहाँ पे आएंगे, परचेज अकाउंट का लेजर आएगा और यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम लेते हैं। लाइक मान लीजिए मैं ले लेता हूँ टाटा सॉल्ट बनाया मैंने, तो टाटा सॉल्ट को ले लेता हूँ, तो ये ले लिया। अब यहाँ पर ये आइटम एलोकेशन आ गया। अब ये जब आता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। अब ये इसको यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम इसको लेकर के फेस करते हैं, हालांकि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको हम हटाएंगे कैसे, सवाल ये है। इसको अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर पहले आपको आना होगा बाहर, ठीक है, यहाँ से भी बाहर आ जाइए और टैली प्राइम की जो गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो है वहाँ पर आकर के और फिर आ जाइए आप अल्टर में। यहाँ पर जैसे ही अल्टर में आते हैं तो यहाँ पर आ जाइए आप, ये देखिए पहला ऑप्शन है ग्रुप का, दूसरा ऑप्शन है लेजर का, तीसरा करेंसी और चौथा वाउचर टाइप। तो आपको वाउचर टाइप पे आ जाना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें बहुत सारे वाउचर टाइप्स आपको शो हो रहे होंगे, तो इसमें पहला काम करिए आप कि सेल्स ऑर्डर और ये जो परचेज ऑर्डर है इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये परचेज ऑर्डर है, तो परचेज ऑर्डर में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो हमने यस कर दिया है, ठीक है, तो इसको नो कर दीजिए। ये नो कर दिया, काम हो गया आपका। नो करने के बाद अब इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, तो ये हो गया। और फिर दूसरा जो है वो है डिलीवरी नोट, यहाँ पे देख लेते हैं, ये डिलीवरी नोट है तो इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आइए और फिर देखिए इसमें जो है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, ये नो है तो इसको छोड़ देते हैं, नो है तो नो ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आते हैं, देखते हैं सेल्स वाले का क्या हालचाल है, ठीक है। रिसिप्ट नोट भी देख लेते हैं, तो रिसिप्ट नोट एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी नो है। सेल्स वाले का हाल चेक करते हैं कि क्या हाल है, तो यहाँ पे आते हैं सेल्स ऑर्डर पर, तो ये सेल्स ऑर्डर पे आए और यहाँ पर भी सब सही है, तो अभी आई थिंक कि ये नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से। आइए देखते हैं एक बार, एंट्री पास करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर क्रिएटर पार्टी का जो लेजर है वो लगा लीजिए। तो ये क्रिएटर पार्टी का लेजर आ गया, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर आइए, परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए। अब जो भी आपको लगाना है, टाटा सॉल्ट लगाना है, जो भी लगाना है लगा दीजिए। तो ये लगाएंगे तो अब वो दिक्कत नहीं आएगी। तो जब इसको ऑन रखेंगे, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट या फिर डिलीवरी नोट, इन सब वाउचर्स को आपको ऑफ रखना होगा, एक्टिवेट नहीं रखना होगा, तब आपका जो ये आइटम एलोकेशन है वो नहीं आएगा। और ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। आई होप कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।